और जो मुझे ज्ञात है कि राजेश धनवानी जी जिन्होंने संस्था का शुभारंभ किया था, उनके परम गुरु जी पिताजी यहाँ पर विराजमान है, वो भी कृपया पधारे। मेरे भाई सुनील यादव जी भी पधारे। मैं आप सभी का वात्सल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय आज इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम को मेरे जो प्रतिष्ठान है उसमें दिया, और अब मैं पंचतत्व समिति के जो कोषाध्यक्ष हैं प्रमोद सिंह जी राजपूत, मैं चाहूँगा कि वो अब अपने कार्यक्रम का संचालन करें, क्योंकि कार्यक्रम भी आज उन्हीं का है। आइए, स्वागत है श्री प्रमोद सिंह जी राजपूत। धन्यवाद मुकेश जी। हमारे पंचतत्व के इस आज के एक जगह पे 50 आम के पौधे एक साथ लगाने के कार्यक्रम में हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में अतिथियों को, जो हमारे अतिथि हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो हमारे यहाँ पृथ्वी पूजा और वृक्ष की पूजा होती है, और उनकी पूजा कर साथ में हमारे संस्थापक जो है राजेश धनवानी जी, उनको भी पुष्पांजलि करें। कृपया पधारें, दीप प्रज्वलित कर और श्रद्धा। हमारे बीच एक अतिथि और हैं, हमारे डायरेक्टर स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्टर ने भी मेरे को वो भी बताया वो आइए। सभी अतिथियों से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे धनवानी जी कोई पुष्पांजलि अर्पित करें, उनको याद करें, क्योंकि वो हमारे साथ कहीं ना कहीं उपस्थित हैं, इसी रूप में उपस्थित हैं। ये वृक्ष लगे हैं, वृक्ष रखे हैं, इसी रूप में उपस्थित हैं। हमारे बीच एक अतिथि और SR कटियार जी हॉर्टिकल्चर से आए, वो भी अपना मंच पर आकर
धरती माँ की पूजा करें और आसन करें। आइए, हमारे इस कार्यक्रम का आज के अतिथि जो हैं वो हैं हमारे पूर्व विधायक, हमारे बड़े भाई श्री निशंक जी जैन, हमारी आदरणीय भाभी श्रीमती अंजलि यादव जनपद अध्यक्ष, वो भी हमारी आज की अतिथि हैं, और नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मधुलेखा जी भगवान, वो भी हमारी अतिथि हैं, खाद आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी वर्मा, वो भी हमारे अतिथि हैं, और हमारे पंचतंत्र के संरक्षक, सहयोगी और मार्गदर्शक श्री कांति भैया भी हमारे साथ हैं। हमारे इस पंचतंत्र के संस्थापक श्री राजेश शर्मा जी जो हमारे बीच नहीं है पर उनकी यादें हमारे साथ हैं, उनके पिता श्री श्री सतपाल जी तनवानी, वो भी हमारे साथ हैं, वो हमारे अतिथि हैं। साथ ही श्री सुनील यादव जी जो प्रांतीय समरसता संयोजक हैं, वो भी हमारे अतिथि हैं, और हमारे इस डायरेक्टर स्टोन एक्सपोर्टर के जो हैं अनिल जी, वो भी हमारे साथ हैं। अब मैं क्योंकि समय कम है और हमको कार्य करना, पर आप सबके कार्यों से जरूरी ये पौधा लगा चलेगा वो शायद आपका दो घंटे में खत्म हो जाएगा, इसलिए ये आवश्यक है, इसको आपको तो करना ही है। इसी क्रम में मैं चाहता हूँ कि अतिथि जो कि आते हैं उनका स्वागत तो बनता है और करना भी चाहिए। तो मैं पहले पूर्व विधायक श्रीमान निशंक जी जैन का स्वागत, हमारे विजय प्रताप सिंह सोलंकी जो सचिव हैं वो तिलक लगाकर, चूँकि मालाएँ नहीं डाली जाती इसलिए पौधे देखकर, जो पौधा आपको यहीं लगाना है बैठ करके वो यहीं लगाना आपके हाथ होते हैं वो चमके हैं वो ही आपको स्वागत है। विजय प्रताप जी श्रीमान किशन जी का स्वागत करें। इसके बाद मुकेश सिंह जी जो बासल स्कूल के डायरेक्टर हैं और हमारे सारी कम की जो है आज के कर्ता भी यही है, क्योंकि इन्होंने हमको जमीन दी है 50 पौधे एक साथ लगाने के लिए, एक आदमी ने एक जमीन दी है जो यही संभालेंगे। ये आम के फलदार पौधे हैं जो उन्होंने दिए, उनसे मैं निवेदन करता हूँ वो श्रीमती अंजलि यादव जो हमारी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मधुकारी अग्रवाल जी का स्वागत कर रहे हैं। हमके भैया एक पौधा साथ ले लिया तो सर मनोज सिंह जी राठौर हमारे भाभी श्रीमती मधुरा जी अग्रवाल, जिन्होंने हमें नगर पालिका काफ़ी सहयोग किया है सुंदर साहब। इसके बाद हमारे माननीय देवेंद्र जी वर्मा हैं, जिनका स्वागत प्रवीण प्रताप सिंह जी यादव करें, कृपया आए। इसके बाद हमारे बीच अंकित सेन है हमारे कार्यकर्ता, वो हमारे कांति भैया जी का स्वागत करेंगे। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी श्रीमान सतपाल जी तनवानी जी का चाचा जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कृपया। हमारे बीच सुनील जी यादव,
उनका स्वागत हमारे बीच बैठे मनीष भारे जी करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद हमारे बीच अनिल जी बैठे हैं, जिनका स्वागत सौभाग्य सिंह की राजपूत करते हैं। एक हमारे ऐसा कटियार साहब जो वर्टी बदल से आए, उनका स्वागत हमारे अमान सिंह जी राजपूत करेंगे। कृपया बता दें। ये सारे पौधे आपको यही रोपना है और ये आपको याद दिलाएंगे हमेशा कि हमने इनको बढ़ा दिया। कटारा साहब कृपया पलार का कुर्सी ग्रहण करें। अतिथियों के बीच आपका निशान भाई साहब को हम खड़ा हैं। पंचतर हर वर्ष हरियाली अमावस्या पर अपना पौधारोपण का कार्यक्रम आरंभ करती है और ऐसा कह सकते हैं हमारे पंचतर का जो जन्मदिन है, 12 वर्ष पहले हमने इस दिन पौधारोपण करना शुरू किया था। जन्मदिन भी मान सकते हैं हमारे पंचतर का। अतः हम पूरे वर्ष के बरसात के मौसम में इससे शुरू करते हैं, बारिश बार पौधे लगाते हैं। पिछले बार हमने 3000 पौधे लगाए थे और इस बार भी 3000 से ज़्यादा लगाएंगे। और इस बार तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो है सड़कों पर पौधे ना लगाएं, क्योंकि सड़कों पर पौधे तो सब लगा देते हैं, उनकी रक्षा भी कोई नहीं कर पाता और अतिक्रमण भी बहुत होता है, जिससे हम बाद में परेशान होते हैं और हो रहे हैं हमारे पास बहुत सारा अतिक्रमण जिनको मिटा पाए। इसलिए हमने ये सोचा है कि पंचतर जो काम करेंगे वो किसी जगह पे किसी के स्वजन से जहाँ सुरक्षित रहेंगे एक साथ फलदार पौधे लगाएंगे, जिससे पक्षियों को भी लाभ मिले। आज हमारे पक्षी जो है जिनको खाने को नहीं मिला, कृत्रिम खाते रहते हैं और लोग फल लगाते नहीं है, सो सो पर लगाते हैं। तो हम ना ये है कि फलदार हमारे, चूँकि सुरेंद्र जी दांगी अध्यक्ष जो अभी यहाँ नहीं है, वो ग्वालियर के निकाण पर रहे हैं, उनका तो कहना ये है कि हम जो आम के पौधे लगा रहे हैं, आज 50 आम के पौधे एक साथ लगा रहे हैं, तो आम के पौधों को लगाने का उद्देश्य है कि हमारे वर्ग के हर आम आदमी आम नागरिक के बीच वो आम जाए। गरीब तबके का आदमी आम नहीं खा पाता, क्योंकि कहीं 120 रुपये किलो दें, 80 रुपये किलो दें, कई तरह के बड़े आदमी खा पाते, छोटे आदमी के बीच वो आम नहीं पहुँच पाता। इसलिए हमें आम लगाएं कि गरीब लोगों के घर तक जाए, वही सही उद्देश्य है। इसी क्रम में मैं चाहता हूँ कि चूँकि दो दो बातें हो जाती हैं, तो हम चाहते हैं इस क्रम में हमारे बीच बैठे प्रथम अनिल जी आए और दो पौधे लगाने क्यों ज़रूरी है तो शब्द कह दें, कम शब्दों में ज़रूरी बातें होनी चाहिए। हिंदी थोड़ा वीक है, कमजोर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू विजय जी मुकेर जी। हेलो, आई एम वेरी थैंकफुल टू मुकेश जी टू इन्वॉल्व मी दिस वेरी गुड थिंग टू प्लांटिंग। This is very good thing for environmental and like the boards and everything. And अभी जो इधर आ गया जो टाइम को आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू एंड एवरीथिंग एंड थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अनिल जी, इन्होंने अपने परिसर में हमको अभी कुछ दिन पहले 15 दिन पहले जगह दी है, तो करीब हमने 10 पौधे यहाँ लगाए हैं।
इसी क्रम में मैं आगे चाहता हूँ कि हमारे ऐसा कटियार की जो बटन रह जाए तो सब तो भी हमारे लिए हो रहे हैं। कई बार हमने देखा है समाज में कि पुत्र तो कई बार कुपुत्र हो सकता है, लेकिन जो पौधा आप लगाएंगे वो हमेशा आपको छाया देगा, फल देगा और वो सब चीज़ देगा जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। तो इसलिए आम का पौधा अध्यात्म भी हर जगह पूजन योग माना गया है। इसके साथ आज चूँकि ये आज की स्थिति में जब व्यक्ति सब जगह पौधे काटे जा रहे हैं तो हरियाली अमावस्या पे ये एक चीज़ जो पंच तत्व करने जा रहा है, कर रहा है समय से, काफ़ी समय से कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा काम है, इसको सभी लोग करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं विज्ञान की बात से संबंध रखता हूँ, हम लोग बहुत पौधे लगाते हैं, हर साल लगाते हैं, लेकिन लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको बचाव करना, उसको बचाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। जहाँ भी जो भी व्यक्ति पौधा लगाए, पंच तत्व में अभी जैसे भाई साहब ने हमें बताया कि इस बार ऐसा विचार किया गया है कि पौधे वहाँ लगाए जाएँ जहाँ पर कोई इससे बचाने की व्यवस्था हो। कई बार हम रोड किनारे और जगह पर पौधे लगा के छोड़ देते हैं और पौधे अंततः वो समाप्त हो जाते हैं। बहुत अच्छा विचार है और इसके लिए जो पौधे लगा कर जा रहे हैं पंच तत्व की टीम को सभी लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे बुलाया विभाग की ओर से। हमारे विभाग में ज्ञान के विभाग में बहुत योजनाएं चल रही हैं पौधे लगाने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए, लेकिन समस्या ये है कि इस बार कोई भी विभाग द्वारा लक्ष्य हम लोगों को नहीं मिले। लेकिन हम लोग क्या कि चूँकि तकनीकी रूप से ये लोग करते हैं हम लोग, तो यदि किसी भी हमारे सब्जेक्ट को पौधे के विषय में कोई रोपण करने में और कोई भी समस्या आ रही हो, लगाना हो, कैसे लगाएंगे, उसके बारे में हम निश्चित रूप से सलाह देंगे। आज चूँकि वृक्षारोपण हम लोग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इसके लिए थोड़ा सा इसके लिए सबसे पहले तो अपन गड्ढा करेंगे। ये चूँकि इसका फैलाव काफ़ी होता है, इसकी जड़ें काफ़ी दूर तक जाती हैं, तो इसलिए कम से कम 2 फीट का इसमें गड्ढा करना चाहिए। 2 फीट गहरा, 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा गड्ढा करने के बाद जो मिट्टी निकालते हैं उसको एक साइड करके उसमें यदि काली मिट्टी है तो निश्चित रूप से हमें, या पीली मिट्टी है तो उसके पौधे के दीमक से बचाव के लिए एक कोई कीटनाशक क्लोरोपाइरीफास है, मिथाइल पैराथियन है, इस तरह का कोई एक कीटनाशक उसमें गड्ढे में डालना चाहिए। और इसके साथ ही उसमें गोबर की खाद, गोबर की खाद एक बटे 3 बार, एक कम से कम 10 किलो गोबर की खाद मिलाएंगे, उस गड्ढे में इतने तक हो जाएंगे कि पौधे का विकास बहुत तेज़ी से होगा। इसके बाद पौधे को अपन लगा के जूस लेंगे। मैंने देखा अभी सभी कलमी पौधे हैं, सभी कलमी पौधे हैं, इसमें एक जोड़ रहता है, उस जोड़ से हमें उस जोड़ को हमेशा पौधे से ऊपर रखना है, मिट्टी से ऊपर रखना है, नहीं तो उसमें कीड़ा लग जाता है, वहीं से पौधा सूख जाता है। और पौधे में कभी जब भी लगाएं तो उसको थोड़ा ऊंचा रखें, वहाँ पर पानी नहीं रुकना चाहिए, एक बार उसका जब पकड़ जाए तो इसके बाद पौधा ग्रोथ करने लगता है। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा ध्यान में सभी लोगों को जानना चाहता था, कोई भी पौधा हो पहले गड्ढा खोदें उसको तकनीकी रूप से और इसको बनाएं, मिट्टी से अच्छे दबा दें, वहाँ पर पानी खुला नहीं रुकना चाहिए, तो पौधा निश्चित रूप से सका दें। कितनी बार धन्यवाद अभी आपके वन विभाग में भी हमको लगभग 450 पौधे निःशुल्क दिए हैं जो हमको निःशुल्क बांटे हैं। हमारा उद्देश्य पौधे बेचना नहीं, हमारा उद्देश्य पौधे खरीदना भी नहीं, पर हमको जो दे देगा वो हम लगाएंगे और उसको जीवित रखने का प्रयास भी करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बड़े भाई सुरेंद्र जी यादव जी को।